इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए, कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। नहीं, ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे यू नो हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए। हाँ, अब बहुत अच्छा लड़का होगा, मुझे बहुत पसंद आएगा, मेरे घर वालों को पसंद आएगा, तो मैं कर लूँगी। इंडिया अच्छा है यार, विराट कोहली भी है वहाँ पे। लेकिन शादीशुदा है तो कोई बात, मैंने कौन सा गलत नजर से कहा, मैंने वैसे कहा विराट कोहली है वहाँ पे, मेरे तो भाइयों की तरह भाई। दुरुस्त हो गया से किसी रिश्ते विश्ते की तो शादी कर लेंगे? ला, करनी इंडियन लड़की से शादी या इंडियन मूवीज देख देख के इतना माइंड बन गया हुआ है, मैं तो घर वालों को कहा है बट वीजा नहीं मेरा, क्या करूँ अब। वो इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना, काफी प्यारी होती है, पाकिस्तानी मुझे नहीं लगती इतनी प्यारी, आप अपने आप को देख लें। मैं भी तो इनको देख रही हूँ, मुझे भी तो नहीं प्यारे, खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, मेरी तरह छिछोरा हो। सबसे पहले तो रिलीजन, ठीक है, अलसी के अगर वो मुसलमान है तो, और अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो देट विल बी फाइन फॉर मी। आप के शादी के क्या प्लानिंग्स है? शादी का बड़ा शौक है, अभी रास्ते में ये बात करती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए, कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। नहीं, मतलब स्पेसिफिकली इंडिया से रिश्ता आ रहा है और आपने ब्याह के इंडिया जाना है तो आपके आपको मंजूर है? नहीं, इंडिया वाले मुझे क्यों रिश्ता देंगे, वहाँ इंडिया की लड़कियाँ मरी हैं। मतलब मरी तो नहीं है, लेकिन आप खूबसूरत है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपने इंडिया वालों ने इंडिया में शादी करनी है, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में करनी है। दूर दराज के इलाकों में भी तो शादियाँ हो जाती है ना, तो दो मुल्कों में भी हो सकती है। हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि पीस आना चाहिए पाकिस्तान। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे यू नो हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए। हाँ, अब बहुत अच्छा लड़का होगा, मुझे बहुत पसंद आएगा, मेरे घर वालों को पसंद आएगा, तो मैं कर लूँगी। इंडिया से क्या, चाइना से, अफगानिस्तान से, जहाँ से भी मैं कर लूँगी। इंडिया से कर लेंगी? हाँ, बिल्कुल कर लूँगी। फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा, चली जाएंगी? हाँ, चली जाऊँगी, इसमें क्या, कोई इशू ही नहीं है। इंडिया अच्छा है यार, विराट कोहली भी है वहाँ पे। लेकिन शादीशुदा है तो कोई बात, मैंने कौन सा गलत नजर से कहा, मैंने वैसे कहा विराट कोहली है वहाँ पे, मेरे तो भाइयों की तरह भाई। दुरुस्त हो गया से किसी रिश्ते विश्ते की तो शादी कर लेंगे? ला, करनी इंडियन लड़की से शादी या इंडियन मूवीज देख देख के इतना माइंड बन गया हुआ है, मैं तो घर वालों को कहा है बट वीजा नहीं मेरा, क्या करूँ अब। लड़की पसंद कर ली है? लड़की पसंद नहीं की, बट ये पसंद है मुझे, वो इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना, काफी प्यारी होती है, पाकिस्तानी मुझे नहीं लगती इतनी प्यारी, आप अपने आप को देख लें। मैं भी तो इनको देख रही हूँ, मुझे भी तो नहीं प्यारे लग रहे, लेकिन गुजारा तो करना पड़ता है, सवाल पूछते हैं हमने। लेकिन खैर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं वो तो चले और चीज होती है ना, वो तो फिर हीरोइंस है, तो वहाँ हीरो नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखें, आप चाहती हैं मैं आपको इंटरव्यू ना दूं, मैं हीरो हूं, आप नीचे कमेंट आएंगे, देखें फवाद खान का छोटा भाई हूं मैं। यार देखें, फवाद खान कितनी बेइज्जती हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, लेकिन चले मुझे ये बताइएगा कि आप मतलब ऑब्वियसली हीरोइन शिरोइन से तो आपकी शादी होगी नहीं? होगी, क्यों नहीं होगी, कैडी हीरोइन ऐसी नहीं होगी, मैं नूरा फतेही मेरा क्रश है और मेरी उनसे बात भी चल रही है, मैं इंस्टाग्राम पे उन्हें टैग करता हूँ कभी कभी पोस्ट अपनी, बट कभी कभी और वो लाइक करके नीचे कमेंट भी कर देती होती है और कहती है ओ माय गॉड माय हीरो। नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं कहती, पर मेरी ख्वाब में इस तरह आया था एक दफा, फिर अम्मी ने उठा दिया, अम्मी ने कहा सुबह हो गया उठ जा। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे आपको मजे की बात बताऊं कि नूरा फतेही मेरा भी क्रश है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि शादी के बाद, चले नूरा फतेही से अगर आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आप यहाँ पे रहेंगे या कहीं और? मैं इंडिया में तो रह नहीं सकता, वो मैं काइंडली दरख्वास्त करूँगा इमरान खान साहब, आपकी मेहर बनी, एक अदद बच्ची लेके आनी है उधर से, मैंने थोड़ी देर के लिए मुझे वीज़ा दे दें कोई दो चार दिन के लिए, तो आपसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो इस तरह नहीं करते इमरान खान साहब तो मैं फिर दुबई बुला लूँगा उनको। नहीं तो गर्दमात भी तो बन सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, गर्दमात कुत्ता होता है, तो मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल, उस कुत्ते से भी ऊपर लेवल की चीज़ हूँ, इसलिए मैं वो नहीं बन सकता। आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी, मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, मेरी तरह छिछोरा हो। छिछोरा प्लस छिछोरी, या तभी तो जोड़ी कमाल की बनेगी ना। दरअसल हो गया, मुझे ये बताइएगा कि ये शादी चले हो गई, छिछोरा भी मिल गया, वेल सेटल्ड भी मिल गया, अच्छा भी मिल गया, मजे का भी मिल गया, तो उसके बाद जब आप दोनों आपस में यू नो शादी वादी करके सेटल कहाँ पे होना चाहोगे, पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और तीसरी कंट्री को प्रेफर करोगे? यार आई वांट टू गो कोरिया। द BTS फैन। ओके, तो आप कोरिया जाएंगे? या जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, चलो इन केस, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपका जो बंदा है वो कोरिया नहीं जाना चाहता है, अब आपको पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक जगह पे रहना, तो कहाँ रहेगी? पाकिस्तान। घर जमाई बना लेंगे? यस यार, घर जमाई मतलब इज्जत नहीं है, माजी देखें क्या कह रही है, घर जमाई यार। नहीं ना, तो बस छिछोरा छिछोरी मिलेंगे तो फिर घर जमाई जो मानी पड़ेगी ना बात, तो छिछोरी को छिछोरे की भी तो मानी पड़ेगी। कभी इंडिया ये सीन होगा ना, अब एक ही जगह थोड़ी ना स्टे करेंगे, मतलब दोनों तरफ उछल के इधर उछल के उधर, बस ये बेस्ट हो गया। और कुछ कहना चाहोगी अपने होने वाले बंदे को? मिल तो जाए पहले यार, मतलब हो सकता है कुछ कह दो, हो सकता है आपके कहने पर मिल जाए।
या इंतजार करूँ जल्दी आ जाओ बस। बात होती है जैसे आपने बताया भी आप टॉपर हैं और घर वाले पढ़ाई को तो लेकर नहीं इतना चलते, तो सलीका शुआरी पे बात शायद करते हैं कि कहते हैं कि बस ठीक है। एक्चुअली आई एम लिविंग इन हॉस्टल सो मुझे कुछ भी नहीं आता है घर के, तो अपना भाई बंधु मिल गया यार हमें। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर आपको इंडिया से ऐसा बाहर से अगर आपको रिश्ते की ऑफर आए तो आप उसको कबूल कर लोगे? सबसे पहले तो रिलीजन, ठीक है, आई सी के अगर वो मुसलमान है तो, और अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो देट विल बी फाइन फॉर मी। इंडिया क्या दूसरा प्लेनेट तो नहीं है ना, मार्स तो नहीं है ना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी मुस्लिम हो बस चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, लेकिन हम स्पेसिफिकली इंडिया का पूछ रहे हैं भाई। मुझे इंडिया से एज़ इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सारी जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, और वहाँ पर बस फ्रीडम नहीं है मुस्लिम्स वगैरह को, थोड़ा सा वो है, तो अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं रह लूँगी। शादी भी हो गई, अब मुझे ये बताइए रहेंगी कहाँ पे? स्पोज कर रही मेरी लाइफ को, रहूँगी कहाँ? मेरा वैसे प्लान है, मैंने ट्राई कर रही हूँ बाहर जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसको लेके जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी उसको पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉब्ली। हमारे पास एक इंतहाई खूबसूरत लड़की हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलती हैं, शुस्ता उर्दू से भी वाकिफ हैं, तो अगर आप देख रहे हैं आपको लड़की है भी बड़ी प्यारी, तो उनको मौका मिले किसी इंडियन से शादी करने का तो क्या वो करेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। यस ऑफ कोर्स, मुझे शाहरुख बहुत ज़्यादा पसंद है, सो अगर काश शाहरुख के साथ हो जाती, बट वेल शाहरुख जैसा ही कोई हो, तो शाहरुख जैसा ही कोई हो मतलब उन जैसा दिखता हो, सेम लाइक शाहरुख, बिल्कुल सेम, ओरिजिनल मिल जाए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन कॉपी से भी काम चला लेंगे। अच्छा तो मतलब उसको क्या क्या आपकी विशेज फुलफिल करना पड़ेंगी या कौन सी शराइत ऐसी जो आप वो पूरा करेगा तो फिर आप फॉर श्योर शादी कर लेंगी? नहीं ऐसे कुछ नहीं, इतनी डिमांडिंग नहीं हूँ मैं, बट बंदा जो होना चाहिए केयरिंग एंड लविंग होना चाहिए, और क्या चाहिए, मन्नत जैसा घर नहीं चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, बड़े सपने तो सभी देखते हैं, बाकी जो अल्लाह की मर्जी जो अल्लाह को मंजूर। दरअसल शादी के बाद कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी तीसरे मुल्क में? नहीं ऑफ कोर्स आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा मुझे कोई सिटी कंट्री कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। लेकिन घर दामाद स्पेशली मुझे लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर और लाहौर के अलावा कोई जगह पसंद नहीं। लेकिन अगर घर दामाद बना लेंगी तो आपके बंदे को अच्छे खासे ताने सुनने को मिलेंगे, यार ऐसा तो ना करें। ऑफ कोर्स उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी मैं, लेकिन ऑफ कोर्स बात होगी पहले, कॉम्प्रोमाइज अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज नहीं, नहीं पाकिस्तान जैसा कोई सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा दुरुस्त हो गया, सोचेंगे। और आपके पास चले उस वक्त एक यू नो ऑफर आती है इंडिया से शादी की, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए अगर वो तो मेरी फेवरेट लड़की हुई तो फिर हो सकता है मैं अगर कर लूँ, लेकिन मोस्टली नहीं, पाकिस्तानी लड़की से ही जो है ना करेंगे शादी। भाई ऐसा क्यों, इंडिया की कौन सी लड़कियाँ घास खाती हैं? नहीं नहीं घास नहीं खाती, खाती वो भी खाना ही है, बल्कि वो भी अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, लेकिन फिर भी एक मन होता है ना कि यार यहीं पर करनी है। अच्छा यहीं पर करनी है, ठीक हो गया। मतलब ये बताइएगा कि आपकी मोस्ट फेवरेट हीरोइन कौन सी है इंडिया की? अनन्या पांडे, वो न्यूली स्टार किड जो आपको शायद पता हो वो है। क्यों आपका और उनका जो कैलिबर है वो मैच तो नहीं करता? नहीं बिल्कुल, हो सकता है करता भी हो, ये तो अच्छी बात ही, अच्छी बात होगी अगर वो हमारा कैलिबर मैच करता होगा। क्या आप उतने इंटेलिजेंट है जितनी वो है? हो सकता है मैं उससे ज्यादा हूँ, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट। जी वो तो एक चले स्टार किड थी, आगे आगे इंडस्ट्री में आ गई, हमारा यहाँ पे क्या साहब है, हमने खुद ही स्टार बनना है। वाकई मुझे लग रहा है ये वाकई अनन्या पांडे से ना इनकी यू नो इंटेलिजेंस मैच कर रही है, तो कर लेंगी? अच्छा सा आएगा तो जरूर करूंगी, जरूर कर लेंगी। और अच्छा जब रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी होगी, तो उसके बाद आप कहाँ पे रुकेंगी, पाकिस्तान में या इंडिया में? मैं 6 महीने इंडिया, 6 महीने पाकिस्तान। अच्छा मतलब वो वाला सीन तो नहीं है ना कि घर दामाद बना के यहीं पे ले आना है? यार देखो किसी के बेटे को घर दामाद बनाना तो बुरी बात है ना, तो फिर वो तो हमारे पड़ोसी हैं, तो हम लोगों को जब उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि आप आ जा सकते हैं, तो फिर क्यों हम प्रॉब्लम क्रिएट करें? और फिर वो तो आपके बंदे हो जाएंगे, आपके हस्बैंड हो जाएंगे, उनकी तो फिर इज्जत है, इनकी इज्जत, इनकी इज्जत, उनकी इज्जत जो है वो हमारी इज्जत है, तो इसलिए फिर इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा जी हाँ कर लूँगी। कर लेंगी जी बगैर किसी शर्त के? शर्त होगी एक, वो क्या? वो यही होगी कि लड़का जैसा दिल का अच्छा होना चाहिए और इज्जत करने वाला हो। कैसे पता चलेगा कि कोई दिल का अच्छा है? जो इंसान आपकी केयर करता है, आपसे कोई लालच नहीं होता, वो दिल का अच्छा होता है। अच्छा जी पक्का? हाँ जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, ठीक है। और हमारी तरफ से, मेरी और मारिया की तरफ से हैप्पी दिवाली। सबसे पहले हम लोगों ने विश किया है दिवाली का, ठीक है। तो बहुत बहुत वो कहते हैं ना शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। एग्जैक्टली कि वो शादी वादी करेंगे दूसरे मुल्क जाकर या नहीं, पड़ोसी मुल्क में खास तौर पे। आप मुझे ये बताएं अगर आपको आता है वहाँ से रिश्ते की ऑफर, अच्छा आप एक्सेप्ट करेंगी? कर भी लूँगी। अच्छा रिश्ता एक्सेप्ट या फिर शादी? रिश्ता एक्सेप्ट, शादी ऑब्वियसली, रिश्ता एक्सेप्ट होगा तो शादी होगी ना। तो मतलब आप रिश्ता एक्सेप्ट करके शादी कर लेंगी? डन डन करें। अच्छा होना चाहिए बस लड़का, मतलब कितना ही अच्छा?
बहुत अच्छा मतलब क्वालिटीज होती है ना कि मतलब हम जब अम्मा अब्बा लड़का ढूंढते हैं तो उनकी वो दो चार शर्तें होती है कि लड़का अच्छा कमाने वाला हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो मुझे वर्ल्ड टूर करवा दे और मैं वहां जाके व्लॉग्स बनाऊं ज्यादा सारे, बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर। ट्रैवल व्लॉग्स का आपको बड़ा शौक है ना? हाँ ना, तो बस मैं ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहती हूँ, तो ऐसा लड़का हो जो मुझे ट्रैवल व्लॉगर बनने की परमिशन दे और परमिशन के अलावा मुझे सपोर्ट करे। अच्छा, इसके अलावा मतलब ठीक है वो आपको वर्ल्ड टूर पे ले जाएगा, आपको जो है सपोर्ट भी कर देगा, इसके अलावा कौन सी क्वालिटी चाहिए आपको? कौन सी क्वालिटी चाहिए? अच्छा होना चाहिए, नेचर का अच्छा होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो रिबाहा की तरह हंसते मुस्कुराते रहने वाला होना चाहिए। मतलब रिबाहा हमारी बहुत हंसती हैं और ये छोटी छोटी बातों पे हंसती हैं और ये बड़े मजे ले लेके हंसती हैं, तो हमें ऐसा ही लड़का चाहिए जो खुद भी मतलब यू नो थोड़ा सा हंसने बोलने और मजे करने वाला हो, है ना? मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज नहीं, खुश मिजाज। एग्जैक्टली यार, खुश मिजाज होना चाहिए क्योंकि हमारी रिबाहा वाकई